किसान सभा के बैनर तले सोलन में सिरमौर, शिमला, मंडी और सोलन के किसानों की मांगों को लेकर महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तनवर ने की। महापंचायत में फैसला लिया गया कि यदि टमाटर को किलो के हिसाब से बेचने पर एपीएमसी सोलन व सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो आंदोलन उग्र होगा व सब्जी मंडी में 20 अगस्त को धरना दिया जाएगा। सोलन में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित की गई महापंचायत में प्रदेश के चार जिला के सैकड़ों किसानों ने भाग लेकर अपनी मांगों को रखा और आरोप लगाया कि सोलन सब्जी मंडी में उनका शोषण हो रहा है। किसानों की मांग है कि टमाटर को किलो के हिसाब से बेचा जाना चाहिए, ना कि करेट के हिसाब से। किसान सभा ने कहा कि सोलन जिला में ही धर्मपुर मंडी में किलो के हिसाब से टमाटर बेचे जाते हैं और कुल्लू मंडी में भी किलो के हिसाब से ही टमाटर बेचा जा रहा है, लेकिन सोलन मंडी में ही ऐसा नहीं है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और निर्णय लिया कि यदि फिर भी एपीएमसी सोलन और सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा करती है तो सोलन सब्जी मंडी में 20 अगस्त को किसान सभा और अन्य विभिन्न संगठनों के माध्यम से किसान धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने बताया कि एक माह पूर्व एपीएमसी के साथ बैठक में जो वादे एपीएमसी ने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं और टमाटर किलो के हिसाब से ना बेचकर अभी भी करेट के हिसाब से बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो भी उनकी जायज मांगे हैं यदि उन्हें पूरा नहीं किया गया तो ये आंदोलन उग्र होगा। हिमाचल प्रदेश के चार जिला जिसमें मुख्य रूप से सोलन जिला है, सिरमौर जिला, शिमला और मंडी का जो हमारा करसोग और पहाड़ी इलाका है, वहाँ के चिन्हित किसानों की यहाँ पर महापंचायत हो रही है। तो पिछले एक महीने पहले मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष जो एपीएमसी सोलन ने जो वादा किया था किसानों के साथ कि आने वाले समय में जो टमाटर है वो वेट के हिसाब से बिकेगा, क्रेट के हिसाब से नहीं बिकेगा, एक। और दूसरा कि जो भी यहाँ पर उत्पादन किसान लाएगा उसके ऊपर किसी भी तरह की काट नहीं होगी, और उसके अलावा मंडी के अंदर जो विभिन्न किस्म की सुविधाएं उसे उपलब्ध करवाया जाएगा तो उसमें अभी कुछ चीजों को छोड़ करके मंडी के अंदर बाकी चीजों के ऊपर कोई ठोस रूप से कोई काम नहीं हुआ है। आज हमारे सोलन जिला में ही जो धर्मपुर की मंडी है या हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू की मंडी है वहां पर वेट के हिसाब से टमाटर बिकता है, तो इस मांग को अभी सोलन मंडी के अंदर पूरा नहीं किया गया। अगर ये आने वाले समयबद्ध तरीके के अंदर इसके अंदर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो इसका जो आने वाले समय में जो किसान सभा अन्य जन संगठनों के साथ मिल करके ये जो सरकार के ऊपर और विशेष रूप से एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक एक जो हमारा संघर्ष है वो एक उग्र रूप धारण कर सकता है। किसानों का भी ये कहना है कि सोलन सब्जी मंडी में अन्य मंडियों की तुलना में सुविधाएं भी कम हैं और किसानों को फसलों के दाम भी अन्य बड़ी मंडियों से कम मिलते हैं। अब देखना ये होगा कि किसान हितैषी कहलाने वाली सरकार किसानों की इस मांग को पूरा करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।